रूस यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान करेंगे। हमने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिमित्री ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की दो यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुतिन अगले साल रूस भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। पीएम मोदी ने इस साल दो बार रूस की यात्रा की है। वो ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने दो दिन का रूस दौरा किया था, तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वो सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे और दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब यानी कि 2,53,000 करोड़ रुपए सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था।